जैसा हमारे भाई दिनेश जी ने बताया कि SC ST OBC के जो लोग होते हैं वो बहुजन समाज के लोग होते हैं, और अभी आपने देखा कि यहाँ की सरकारों ने कि यहाँ के बहुजन समाज के लोग यानी SC ST OBC के लोग सरकारी नौकरियों पर ना जाएं, इनके बच्चे पढ़ लिख ना पाएं, स्कूलों में एडमिशन ना ले पाएं, मेडिकल में इनके बच्चे ना जा पाएं, इंजीनियरिंग में इनके बच्चे ना जा पाएं, तो उन्होंने 200 पॉइंट जो रोस्टर था उसको हटाकर 13 पॉइंट का रोस्टर लागू किया है। तो ये सरकारें नहीं चाहती कि बहुजन समाज के लोग SC ST OBC के लोग पढ़ लिख कर अपनी तरक्की ना कर पाएं, इसीलिए साथियों हमारे साथियों ने गांव-गांव गली गली जाकर उनको जगाने समझाने का काम किया है, और आज के काम भी वही समझाने का काम है। माता रमाबाई की जयंती तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी तो बहुजन सोए हुए समाज को जगाना है। लेकिन हमारे महापुरुष इतने हैं कि उनके हम जन्म दिवस स्मृति दिवस हम मनाते रहते हैं, तो इस बहाने इस समाज को जागृत करते रहते हैं, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, चाहे अच्छे वक्ताओं के माध्यम से हो, चाहे वो अच्छे कवियों के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और तरीके फिल्म दिखाने के माध्यम से हो, बहुत सारे माध्यम हैं उनको जगाने का समझाने का। अभी हमारे भाई कुछ लोगों का स्वागत के लिए, तो मैं चाहूँगा कि वो जिन लोगों का स्वागत करना चाहते हैं करा लें, उसके बाद एक बहुत सुंदर गीत आपको देता हूँ।